12 वोल्ट, इसे एसीडीसी हम फैन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डबल कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। ये सर खोल रहे हैं, देखिए मैंने किट खोल दिया है, ये इसके ऊपर किट आ जाती है। ये हमारा जो कनेक्शन आता है, ये हम इसको डायरेक्ट वापदा के साथ दे सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट वापदा के साथ, ये नीचे एसी लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ये देखिए एसी 220, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका लिखा हुआ है डीसी 12 वोल्ट। मीन्स की इसके लिए पंखा लगाने के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है, ऊपर हर चीज लिखी हुई है। हाँ जी, हर चीज मौजूद। आप मुकम्मल गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। गारंटी में क्या होता है, आपकी चीज खराब हो गई है, मोटर जल गई है, हमें ये मोटर दे दें, हमसे आके नहीं ले जाए, 2 साल के अंदर बगैर पैसे। अच्छा, दो भाई जरा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक महाना बिल इसका कितना आएगा, 30 दिन तकरीबन 576 रुपये। भाई ने कैलकुलेशन लगाई है जनाब पर डे के हिसाब से, उसके बाद में सारे टैक्स वगैरह डाल के गवर्नमेंट बिल 500 से 600 रुपये में जनाब आप ये पंखा पूरा महीना टका के चला सकते हैं जनाब। ये इनके कितना आपने हमने मोबाइल चार्ज करना है ना, मेरे ख्याल से ये उतना इसका बिल होगा। अगर हम देख सकते हैं, देखिए भाई ने 700 रुपये कहा था कि एक दिन का यूनिट होगा, टैक्सी वगैरह डाल दिए हैं, डबल किया, ट्रिपल करके भी भाई ने ना 20 रुपये के हिसाब से भाई ने जो बिल बनाया ना महीने का, जो हम ये फैन से हम यूज करेंगे 576। मेरे घर में जो फैन लगे हुए पर्सनली, हमारा जो लास्ट टाइम बिल आया ना, जो हमने पुराने वाले फैन लगाए हुए सीलिंग फैन, सर जी 7 से 8 साल बिल आया के अंदर बने हुए हैं, प्योर कॉपर के अंदर है। और इनकी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से आपको बताता जाऊँ कि 2 साल इनकी आफ्टर सेल सर्विस गारंटी होती है। अच्छा, गारंटी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं। इसके ऊपर भी मेंशन है कि ये 52 वाट्स लेता है, ठीक है। 52 वाट्स का मतलब ये है कि ये 20 घंटे के अंदर एक यूनिट लाइट कंजप्शन करता है। बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये फैन लेके जाता हूँ घर, ये सारी बात है, ये इलेक्ट्रिकल चीज है, तो ये कल को कोई इशू पड़ता है, कोई मोटर इसकी जल जाती है, कोई ये खराब होती है, तो इसके कोई रिटर्न वगैरह है? इसकी रिटर्न पॉलिसी हमने दी हुई है, जैसा कि मान भी आपने सवाल किया कि चीज जाते ही नहीं ऑन होती, तो उस सूरत में हम कस्टमर को ये फैसिलिटेट कर देते हैं कि ये चीज अगर आपके घर जाकर नहीं चली, हम उसको फौरी तौर पे इसे नहीं दे देंगे, हम ना कि उसको ठीक करेंगे या उसके ऊपर अपना टाइम जाया करेंगे, हम कस्टमर को नहीं दे देंगे ताकि वो जाकर उसको लगवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं, और ये हमारा जो इदारा है ये गुज़श्ता 28 साल से इसी बाजार में खिदमात अपनी सारे। अच्छा, 28 साल से भाई काम करने हैं, माशाल्लाह। देखते हैं सब, ये बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है, ठीक है। और भी लाइन है, इस टाइम सोनेक्स है, बेलविन है, तुल्ला है, इंडस है, सुपर एशिया है। हमारे पास रिमोट आ जाता है, सबसे पहले नंबर पे हमने इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद ये इसकी कनेक्टिविटी का बटन है, इसको हमने कुछ देर दबा के रखना है ताकि इसका जो कनेक्टिविटी सिस्टम है वो रिमोट के साथ मिल के हम लोग कुछ देर प्रेस करके रखे और एक आवाज आएगी। जी बिल्कुल, बीप की आवाज आएगी, बीप की आवाज आएगी, वो इसके साथ उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसी तरह ये स्पीड है 1 2 3 4। जी इसकी 4 स्पीडें हैं, ये इसके अंदर टाइमर है, 4 घंटे 8 घंटे टाइमर भी लगा सकते हैं, टाइमर जैसे एसी में होता है। जी बिल्कुल उसी तरह। जी जी, अंदर एक जो किट लगी है, ये किट का सारा कमाल है। जी सर, ये सारा इस किट का कमाल है। ये किट में जनाब, और हमें कोई एक्स्ट्रा वायर वगैरह साथ नहीं लगेगी? नहीं, कोई इजाफी तार की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं। आपकी लगी हुई है वही तारों के ऊपर इसमें जाकर चल जाए, मतलब हम ये सिंपल खरीदे जाके लगा दे, कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं। सर इसकी कीमत के बारे में बताएं। सर इसकी कीमत जो है ना, वो अगर तो हम किसी लोकल ब्रांड में चले जाते हैं, सुपर एशिया, ठीक है, लाइक एसके फैन है, इंडस फैन है, सोनेक्स है, ठीक है, उसके बाद अब्दुल्ला फैन है। मींस के आपके जो पाकिस्तान के टॉप ब्रांड है सारे मौजूद है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुमान बटी ब्लॉग। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनके घरों में एसी नहीं है और वो फैन यूज करते हैं, और उनको बिल एसी के बराबर आता है। मगर आज मैं आपको ऐसे पंखे दिखाने जा रहा हूँ जो एसी डीसी फैन है, जिनका जो आम पंखों से 50 से 60% तक बिल कम आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का नाम अलग है। सर ये बताएं कि आपके पास सबसे पहले कौन कौन सी कंपनी के फैन मौजूद है? पाकिस्तान के जो जितने बड़े नाम ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल लाइक सुपर एशिया है, उसके बाद अब्दुल्ला फैन है। मीन्स के आपके जो पाकिस्तान के टॉप ब्रांड है सारे मौजूद है, माशाल्लाह, ठीक है। सर बताए इस पंखों में और जो आम घरों में यूज हो रहे हैं नॉर्मल जो एसी फैन है, क्या फर्क है इसमें? जो
पुराने जो पुराने रवायती रवाज से जो चलते आ रहे हैं पंखे, बिजली की जो इस टाइम सोचते आ रहा है, और आज की जो टेक्नोलॉजी है डीसी जिसे इन्वर्टर फैन बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी में तकरीबन हम बिजली की बचत को 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 50% की भी बनाते हैं। 50% बिजली का बिल कम आएगा जी पंखा लगाने से? 50% कम आएगा। उसमें ये मेरे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है, ये इंडस फैमिली का मॉडल है, ये इंडस कंपनी का बना हुआ है। इसके साथ ये 12 वोल्ट, इसे ACDC हम फैन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डबल कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। ये सर खोल रहे हैं, देखिए मैंने किट खोल दिया है, ये इसके ऊपर किट आ जाती है। ये हमारा जो कनेक्शन आता है, ये हम इसको डायरेक्ट वापडा के साथ दे सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट वापडा के साथ, ये नीचे AC लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है, ये देखिए AC 220, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट। मीन्स की इसके लिए ये पंखा लगाने के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है? किसी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है, ऊपर हर चीज लिखी हुई है। हाँ जी, हर चीज मौजूद है, और कनेक्शन वायर्स निकली हुई हैं दोनों साइडों पे। सोलर के ऊपर डायरेक्ट चलाने के लिए वो भी चल जाएगा। अच्छा, सोलर पे भी चला सकते हैं? डायरेक्ट सोलर पे भी चला सकते हैं बगैर इन्वर्टर के। इन्वर्टर के बगैर, पहले तो इन्वर्टर के भी 10-12 हजार रुपए का बंदा इन्वर्टर ले, उसकी भी बड़ी बचत होगी। हाँ जी, वो भी आपकी बचत है, डायरेक्ट सोलर पे इसको। इसके लिए सिर्फ ये सारा, ये देखे माशाल्लाह इसकी लुक देखे, ये अंदर एक जो किट लगी है, ये किट का सारा सारा कमाल है जी सर, ये सारा इस किट का कमाल है। ये किट में जनाब, और हमें कोई एक्स्ट्रा वायर वगैरह साथ तो नहीं लगेगी? नहीं, कोई इजाफी तार की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं। आपकी लगी हुई है वही तारों के ऊपर इसमें जाके चल जाए, मतलब कि हम ये सिंपल खरीदे और जाके लगा दे, कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं, कोई पैसे देने किसी को जरूरत नहीं, सिंपल अच्छी लिखी हुई है। ये डिजाइन है, ये गुला फैन का, ये बेलविन का, ठीक है, बेलविन बाय क्लाइमेक्स, ये सोनेक्स का। इसके अंदर एक ये डिजाइन है सोनेक्स, मेड इन पाकिस्तान गुजरांवाला, ये बहुत आपका ब्रांड है सोनेक्स का गुलाब। ये सारे आप देख सकते हैं इसके अंदर। रिमोट का बता देते, तो कैसे हम चलाएंगे? ये हमारे पास रिमोट आ जाता है, सबसे पहले नंबर पे हमने इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद ये इसकी कनेक्टिविटी का बटन है, इसको हमने कुछ देर दबा के रखना है, ताकि इसका जो कनेक्टिविटी सिस्टम है वो रिमोट के साथ, बीप के हम कुछ देर प्रेस करके रखे और एक आवाज आएगी जी, बिल्कुल बीप की आवाज आएगी, बीप की आवाज आएगी वो इसके साथ, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा जी, बिल्कुल ऐसी तरह। ये स्पीड है 1, 2, 3, 4 जी, इसकी 4 स्पीडें हैं। ये इसके अंदर टाइमर है, 4 घंटे 8 घंटे टाइमर भी लगा सकते हैं, टाइमर जैसे AC में होता है जी, बिल्कुल उसी तरह जी, ठीक हो गया, ठीक। उसके बाद ये इसका इको मोड आ जाता है, अगर आप इसको इको पे कर देते हैं तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड खुद ही कम ज्यादा कर देगा, ठीक हो गया, ठीक है। सर इसकी जो ये बताए कि इसका जो बिजली का बिल है, ये इसका बिजली का बिल है, और ये सारी इसकी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी इसकी लिखी हुई है, AC DC इन्वर्टर प्लस, ये साइज का आ गया, ठीक है। 1400 mm 56 साइज इसे हम बोलते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट में 3.5 इसकी रेटिंग पावर है, ठीक है। ये आगे इसकी कैलकुलेशन आती 52 वाट, ठीक है। अगर हम इसे AC पे चलाते हैं डायरेक्ट, इसको लाइट पे कर देंगे तो 10 वाट इसके अंदर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 52 और 10 प्लस कर देंगे तो 62 हो जाएगा। अच्छा, जो आम फैन है, सॉरी सर, जो आम फैन है वो तो 90 वाट लेता है जी। ये आम फैन पे अगर हम AC पे भी चलाएंगे फिर भी बिल कम है, फिर भी 60 वाट लेगा, 60-62 वाट। कमाल हो गया। मतलब हम कहते हैं कि अगर हम DC पे नहीं चलाना चाहते, सोलर पे नहीं चला रहे, तो वो ये है कि हम आम जो इसको घर में चला रहे हैं तब भी इसने जो दूसरे फैन से तकरीबन 50% तक कम लेगा। मैंने, मेरे काफी दोस्त मुझे कहते हैं कि हमारे घर में AC नहीं है और हमें बिल 8000 आ रहा है जनाब। वो फैन जो उनके पास जो पुराने लगे हुए हैं उसका बिल आता है 100 वाट से ऊपर होता है, और बात यह कि ये लगवाएंगे आपका बिल आधे से भी नीचे आ जाएगा। सर इसकी कीमत के बारे में बताएं। सर इसकी कीमत जो है ना वो, अगर तो हम किसी लोकल ब्रांड में चले जाते हैं तो फिर 7000 से शुरू हो जाती है, 7000-8000। जबकि आप ये देखे हैं सब ये बड़े ब्रांड हैं पाकिस्तान के, ठीक है, ठीक है। और जी लाइन है इस टाइम सोनेक्स है, बेलविन है, अब्दुल्ला है, इंडस है, सुपर एशिया है। इसकी प्राइसेस जो है ना ये 8000 से प्लस है, 8, 9, 10, 11, 12 हजार रुपए तक है। और ये जो ये फैन ये बाकी इसके ये AC के वाले थे, ये सारे फैन AC हैं डायरेक्ट वापडा पे, जो पुराने रवायती जो स्टाइल से चलते आ रहे हैं। ये देखिए उनके अंदर भी ये बेलविन है, ये सोनेक्स है, ये इंडस फैन है, ये अब्दुल्ला फैन है, ये इसी तरह पूरी रोल लगी है, मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं।
ठीक है, जो है ना लाइट की जो कंजप्शन है वो 80 से 90 वाट है। अच्छा, ये 80 से 90 वाट वाले के अंदर बने हुए हैं, प्योर कॉपर के अंदर है, और इनकी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से आपको बताता जाऊँ कि 2 साल इनकी आफ्टर सेल सर्विस गारंटी होती है। अच्छा, गारंटी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, आप मुकम्मल गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। गारंटी में क्या होता है, आपकी चीज खराब हो गई है, मोटर जल गई है, हमें ये मोटर दे दें, हमसे आके नहीं ले जाए 2 साल के अंदर बगैर पैसे। अच्छा, 2 साल में कोई इशू होता है मोटर का, कोई मसला बनता है, हम आपसे ले लेंगे, आपको नहीं दे देंगे। कमाल होगा जनाब, ये देखिए इतनी बाइक गारंटी दे रहे हैं कि 2 साल में कोई इशू होता है तो देख के जनाब अपनी चीज वापस ले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं, और ये हमारा जो इदारा है ये गुज़श्ता 28 साल से इसी बाजार में खिदमात अपनी सारी। अच्छा, 28 साल से भाई काम कर रहे हैं, माशाल्लाह काफी पुराने हैं। खुद हमारे बड़े करते आ रहे हैं, मुझे बताते खुद इस फील्ड में इस लाइन में आए हुए 16 साल हो गए हैं। 16 साल हो गए जी। एफएम भाई ये बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये फैन लेके जाता हूँ घर, ये सारी बात है, ये इलेक्ट्रिकल चीज है, तो ये कल को कोई इशू पड़ता है, कोई मोटर इसकी जल जाती है, कोई ये खराब होती है, तो इसके कोई रिटर्न वगैरह है? इसकी रिटर्न पॉलिसी हमने दी हुई है, जैसा कि मामी आपने सवाल किया कि चीज जाते ही नहीं ऑन होती, तो उस सूरत में हम कस्टमर को ये फैसिलिटेट कर देते हैं कि ये चीज अगर आपके घर जाकर नहीं चली, हम उसको फौरी तौर पे इसे नहीं दे देंगे, हम ना कि उसको ठीक करेंगे ना उसके ऊपर अपना टाइम लाया करेंगे, हम कस्टमर को नहीं दे देंगे ताकि वो जाकर उसको लगवा दे। अच्छा, जो नहीं लेके जाएंगे तो कोई इशू बनता है, उसी टाइम आगे रिटर्न करें तो नया पीस ले जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये है कि 2 साल के अंदर चीज की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक इसके अंदर बैरंग होता है, ठीक है, बैरंग आवाज दे जाता है, उस सूरत में भी हम कंपनी से, हमें कंपनी क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हमें इस कंपनी सहूलतें देती है, डीलरशिप है, डिस्ट्रीब्यूशन शिप आ जाती है, हम कस्टमर को वो सहूलत इसी तरह आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो क्या होती है, 2 साल के अंदर तो बगैर पैसे के ये हमने आपको नया दे देना, ठीक है, उसके अंदर आपके 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा। 2 साल के अंदर किसी भी किस्म का पंखे के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, हमसे बगैर पैसे के वो आप कंपनी को देंगे, वो कंपनी आपको न्याय देगी, हम कस्टमर को फौरी फ्री कर देंगे। अच्छा, हम चलाइए कि जनाब कुछ लोग कहते हैं कि यार आप परसों आ जाना, आप नहीं आ जाना, वो चीज नहीं करेंगे, वो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक किया। अच्छा, जैसा कि माशाल्लाह आपने बताया, देखिए 26 साल से आप काम कर रहे हैं और 2 साल से कहीं कहीं ये भागेंगे नहीं। जो बंदा 26 साल से मार्केट में बैठा हुआ है ना, अपना एक नाम बना रहा है और इतना बनाया भी है माशाल्लाह, वो 2 सालों में कहीं नहीं भागेगा। तो यही चीज़ होती है कि जो मेरी वीडियो में मैं ज़्यादातर यही चीज़ दिखाता हूँ कि जो चीज़ आप खरीदना चाहें और अच्छी चीज़ खरीदा करें, पैसे एक ही दफ़ा आपने लगाने होते हैं। और जो पुराने पंखे आपने घर में लगाए हुए हैं, जो जिनसे आपको बिल हज़ारों में आ रहा है, ये पंखे लगाने से ये है कि आपको बिल में 50 से 60% तक बचत हो सकती है। अपने होस्ट मान बट्टी को जल्द दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। जी असल भाई, एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में, एक चीज़ है जो बीस का माल है वो कितना आएगा, एक छोटा सा एस्टीमेट लगा के बताएं। क्योंकि 20 घंटे हम चलाएं, एक यूनिट जो बनता है वो 7 से 8 रुपए बनता है, मतलब कि डेली का 7 से 8 रुपए बनता है, अगर मुहाना कितना होगा? मुहाना अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है तकरीबन 7 से 8 रुपए बनता है, अगर मुहाना कितना होगा? मुहाना अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है तकरीबन 7 भाई जरा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक मुहाना बिल इसका कितना आएगा? 30 तकरीबन 576 रुपये भाई ने कैलकुलेशन लगाई है जनाब पर डे के हिसाब से, उसके बाद में सारे टैक्स वगैरह डाल के गवर्नमेंट बिल 500 से 600 रुपये में जनाब आप ये पंखा पूरा महीना तका के चला सकते हैं जनाब। ये कितना आपने हमने मोबाइल चार्ज करना है ना, मेरे ख्याल से ये उतना ही इसका बिल होगा। अगर हम देख सकते हैं, देखिए भाई ने 7 रुपये कहा था कि एक दिन का यूनिट होगा, टैक्सीज वगैरह डाल दी है, डबल किया, ट्रिपल करके भी भाई ने ना 20 रुपये के हिसाब से भाई ने जो बिल बनाया ना महीने का, जो हम ये फैन से हम यूज करेंगे 576। मेरे घर में जो फैन लगे हुए पर्सनली, हमारा जो लास्ट टाइम बिल आया ना, जो हमने पुराने वाले फैन लगाए हुए सीलिंग फैन, सर जी 7 से 8 साल बिल आया। तो ये देखिए, मैं वाकई ये बात अभी मुझे यकीन हो रही है कि यार ये पंखे और उस पंखे में जमीन आसमान का फर्क है, इतना महंगाई का दौर है। एक एक रुपया अपना सेव करें, और भाई से अगर आपने रब पटना करते हैं, मैं भाई का फोन नंबर वगैरह यहाँ मैंशन करता हूँ, भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने शॉप का एड्रेस बता दें। जी, हमारी शॉप का एड्रेस है मेन रोड पे, हम कोतला वाला चौक,
पटना वाला चौक से अंदर आता है हमारा बाजार, देगा वाला बाजार, देगा वाले बाजार के अंदर हमारी शॉप है पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ठीक है सर, अपना फोन नंबर जो व्हाट्सएप वाला हो जी, मेरा फोन नंबर है जी 0321143000। इस नंबर पे भाई से रब्ता कर सकते हैं, अगर आपको फैन ऑनलाइन मंगवाना हो कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में भाई डिलीवर कर देंगे, और यहाँ जो गुजरांवाला के लोग हैं जो रहायशी या नफीक है वो तो भाई के पास आए चेक करें तसल्ली करें। कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने होस्ट मान भट्टी को जल्द दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।